उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूँ, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी। अब इस क्लिप को देखने के बाद तुम सारे ठरकी अपनी पहली क्रश के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचना शुरू कर दिए होगे, तो यही सही माहौल है इस वीडियो को प्रारंभ करने का। And his name is John C. तो हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बड़का वाला भेलकम है बकचोदी की पंचायत के एपिसोड नंबर 2 में। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है फर्स्ट लव, बोले तो पहली गलती। ये एक ऐसी कथा है जिसमें आने वाले अधिकतर ग्राहकों का कटताई करता है। लौंडे न जाने फर्स्ट लव होने के बाद कौन सी रंग बिरंगी दुनिया में खो जाते हैं। इन्हें मानो ऑक्सीजन के अलावा जीने का नया साधन मिल गया हो। इनका तो चलो समझ में आता है, पर इनके साथ साथ इनके 4-5 नल्ले दोस्तों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हें पहली बार किसी मादा को इतने नज़दीक से देखने और समझने का स्वर्णिम अवसर जो मिलता है। तो चलिए एक एक कर इनकी पोल खोलते हैं। फर्स्ट लव होने के बाद इनका अपने दोस्तों से बात करने के तरीके में भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि यह किसी न किसी वजह से, किसी न किसी तरीके से, कुछ न कुछ करके हर बात में अपनी वाली का नाम घुसेड़ी देते हैं। अबे रवि, तुमको पता है कल ट्यूशन में छुट्टी है। हाँ बे, मेरी वाली ने बताया। ओ अच्छा अच्छा, तुझे पता है रवि, कल मैथ वाले सर को स्कूल से ही भगा दिया। हाँ बे, मेरी वाली ने बताया। ओ ऐसा क्या, तुझे पता है कल मुझे पहली बार नाइट फॉल हुआ था। हाँ बे, मेरी वाली ने। तो ऐसा कभी कभार फ्लो में हो जाता है, मानो इस दुनिया में इनकी वाली के सिवा कोई है ही नहीं सा। अब बात कर लेते हैं इनके लुक्स में आए हुए चेंज के बारे में। पहले जिस लौंडे को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि उसके चेहरे पे डिंपल हो रहे हैं या पिंपल, लेकिन अब उसे अपनी दाढ़ी के किसी कोने में छोटी सी सफ़ेद बाल से भी चिड़ उठ जाती है। अब उसका तपती धूप में इधर उधर घूमना और टंडेलियां मारना बंद हो जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब ये लौंडे स्कूल के लंच ब्रेक में पिट्ठो, गर्म कचौड़ी, बर्फ पानी ये सब ना खेलकर जेंटलमैन्स गेम्स जैसे क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन ये सब खेलना शुरू कर देते हैं। अब चलिए वार्तालाप कर लेते हैं इनके दोस्तों में आए हुए परिवर्तन के बारे में। दोस्तों की बकचोदियां भी ना कुछ कम नहीं होती हैं। अगर गलती से, भगवान ना करे, अगर गलती से तुमने इनको एक बार नजरअंदाज कर दिया ना, तो उधर से सिर्फ एक ही कमेंट आएगा। हाँ बे हाँ, अब तो हम दूर वाले रिश्तेदार हो गए ना, अब हमारी क्या औकात जो तू सुनेगा हमारी। सब बदल जाते हैं, ये तो दुनिया का दस्तूर है। तू भी बदल गया, फिर तू किस खेत की मूली है, जा बे जा। मतलब ये हर बार बात बात पे तुम्हें ये रियलाइज करवाएंगे कि तुम इनसे अलग हो, और इनका ये सब करने का बस एक ही मोटो होता है कि तुम अपनी बंदी से कहकर इन नल्लों के लिए भी कोई पहला प्यार ला दो, और फिर ये भी तुम्हारी वाली बकचोदी करना शुरू कर देंगे। हाँ तो बस आज की बकचोदों की पंचायत ये निर्णय लेती है कि लव फर्स्ट हो या लास्ट मायने नहीं रखता, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम अपना सेकेंड लव समझ रहे हो उसके लिए तुम फर्स्ट लव हो, इसलिए बस प्यार से ऐसी निभाओ। इसीलिए यार बकचोदी बिना कोई फिलॉसफी झाड़ते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हें हमारी वीडियो में थोड़ा भी इंटरेस्ट लगा, तुम्हारी जिंदगी में थोड़ा सा भी आनंद घोला है इस वीडियो ने, तो नीचे दिए रहे लाल बटन को अपना फर्स्ट लव समझो या दूसरा लव, बस क्लिक कर दो, मेरे पास एक सब्सक्राइबर आ जाना चाहिए। और बकचोदों की पंचायत का अगर तुम एपिसोड नंबर 1 देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो और उस पर गर्ल्स वाला जो ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करो और उसे देखो जाके, पूरा मजा आने वाला है। और कमेंट करके बताओ कि बकचोदों की पंचायत में आगे किसकी खाल उतरी जाए। बाकी लाइक और वीडियो को शेयर और ये गाना सुनो बे। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लोटा उसमें डूब गया। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन।